आज मैं वीडियो बना रही हूँ एक नया सा है आपका स्किन पैक जो बहुत ग्लो और समरी लुक दे सकता है आपको। जब आप लगाएंगे तो आपको लगेगा कि एक बहुत सारा समरी जैसा लुक देने लगा, शाइन करेगा स्किन। आपको यकीन नहीं होगा कि एक ये छोटा सा पैक आपके स्किन में इतना ग्लो कर सकता है, वो भी आज एक्चुअली समर चल रहा है तो समर में ये लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समर में क्या होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा पसीने स्वेटिंग तो आती ही है, पर एक दिक्कत ये भी होते हैं कि छोटे छोटे से दाने होने लगते हैं गर्मियों के कारण। तो बेहतर है कि समर में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ठंडा चीज़ यूज़ करें, जैसे पपाया। ये एक ऐसा फल है जो बहुत ज़्यादा ही पिगमेंटेशन वगैरह दाग वगैरह हटाने में बहुत मददगार करता है। और दूसरा जो चीज़ है वो कर्ड, कर्ड को कर्ड के बारे में भी आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये क्लीन करता है स्किन को और बहुत फेयर कर देता है। और तीसरा जो इंग्रेडिएंट्स है मेरे रेमेडीज़ में है वो है आप के लिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऑरेंज पिल को सुखाकर उसका ग्राइंड करके उसे छानकर एक अच्छा सा आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा, तो मैं वो यूज़ करी। इसमें सिर्फ आपको 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स यूज़ करना, पहला तो पपाया है, दूसरा कर्ड है, थर्ड आपका है ऑरेंज पिल पाउडर, और जो चौथा है वो है एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो बहुत ठंडक देता है और बहुत सारे वो एक ऐसा एलोवेरा में इतनी अच्छी चीज़ें होती है कि वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर देता है। ठीक है, तो एलोवेरा जो भी यूज़ करता है, एलोवेरा का तो फवाद बहुत ज़्यादा है, अगर मैं बात करने बैठूं तो एक लंबा सा वीडियो बन सकता है एलोवेरा के बारे में। ठीक है, चले मैं अब वीडियो को ज़्यादा डिले करते हुए मैं आपको बता रही हूँ इसमें क्या क्या लेना है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, आप भी ये ज़रूर ट्राई करें। अब मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा। आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और शेयर करना, क्योंकि मैं ये सब चीज मैं खुद पे पहले ट्राई की हूँ उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, और सिर्फ एक विक आप यूज करें अल्टरनेटिव में तो आपको कोई तरह से किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी चीजें मैं ले रही हूँ वो एक तरह से सब केमिकल फ्री है। ठीक है, ये बहुत इजिली से घर पे आराम सा मिल जाता है। ठीक है, और हाँ याद रहे कि आपको एलोवेरा मार्केट वाला नहीं लेना, एलोवेरा फ्रेश लेना जो पौधे वाला होते हैं इस तरह के। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, ये देखिए, पहला जो है ये पपाया है, आपको पता है पपाया कितना फ़ायदेमंद है, और ये ऑरेंज पिल पाउडर है जो मैंने घर पे ही खुद बनाया है। अगर किसी को नहीं आता है कैसे बनाना है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इसे बनाकर दिखा सकती हूँ। ठीक है, और ये जो थर्ड है वो है कर्ड है। ठीक है, आपको कर्ड लेना है, और जो चौथा है ये एलोवेरा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पपाया और कर्ड और ऑरेंज पिल पाउडर ये तीनों को अच्छे से मिक्स करना है, आपको ऐसा पेस्ट बनाना है जो स्मूथ पेस्ट बने और अपने स्किन पे इजी सा लग सके। अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप हनी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हनी भी बहुत मॉइस्चराइजर है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, जिसका बहुत ड्राई स्किन हो रहा है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चले मैं बताती हूँ कि आपको कैसे लगाना है, और इसमें मैंने चले सब मिक्स कर ली, ये मैं मिक्स करके रखी हूँ। ठीक है, देखिए आप इस तरह से आपको कंसिस्टेंसी बनाना है, देख सकते हैं इस तरह से आपको करना है। ठीक है, एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बने। चले मैं लगा के अप्लाई करके आपको बताती हूँ। ठीक है, हाँ, इसमें सिर्फ एलोवेरा छोड़कर 3 चीज़ मिलाया गया है, पपाया कर्ड और ऑरेंज पील पाउडर बस। एलोवेरा मैं लास्ट में बताऊंगी कि उसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा यूज़ करके। चले मैं डिले करते हुए आगे बढ़ती हूँ, ज़्यादा डिले ना करूँ, आगे बढ़ती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसे यूज़ करना है, और कैसे आप ज़रूर बताएं कि आपको ये सब कैसा लगा, ज़रूर एक बार कमेंट्स करना ना भूले। ठीक है, चले एक मैं दिखाती हूँ आपको बताकर। हाँ,
ठीक है जी, चले मैं दिखा रही हूँ आपको। आपको अच्छे से इस तरह से बैंड करना है, सारे जगह से देख रहे हैं मेरे हेयर कहीं पर भी बाहर मुंह पर नहीं आ रहे हैं। और देख सकते हैं मैं बहुत अच्छे से हेयर को एक साथ करके ऊपर रखी हूँ। अब मैं लगाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं लगा रही हूँ आपको, आपके सामने ही। आप फिंगर उसे भी लगा सकते हैं अगर ब्रश से जी, पर बेहतर है कि आप फिंगर से लगाएं, क्योंकि इसमें पपाया मिलाया गया है जो बहुत सिल्की होता है, जो गिर जाता है। तो बेहतर है कि आप हैंड्स के मदद से लगाएं। देखिए आप इस तरह से यूज़ करें, इसे अच्छे से यूज़ करें। थोड़ा सा मैसी होगा पर कोई बात नहीं, पर इसका जब एक बार चेहरे पे ग्लो आएगा तो आप बिल्कुल यकीन नहीं कीजिएगा। ये मैं आपको रियल में दिखा रही हूँ, कोई फिल्टर कोई एडिटिंग कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैं ये अभी रियल में बना रही हूँ, ठीक है। अच्छे से लगाना है। और हाँ, नेक को बिल्कुल नहीं आपको भूलना है, ठीक है। नेक को भी इस, और आपके कान को भी नहीं भूलना, इस तरह से कान के पास भी लगाना ना भूले, ठीक है। आपको अच्छे से सारे पे लगाकर अगर हल्का सा सूख जाए फिर उसके बाद एक और कोटिंग लगाना है आपको, ठीक है। 5 मिनट वेट करें, जब ड्राई हो जाए तो उसके बाद फिर से एक कोट और लगाएं, क्योंकि दही डाला हुआ है, कट डाला हुआ है, जो बहुत जल्दी सूख जाता है क्योंकि समर है इस वजह से, अदरवाइज विंटर में बिल्कुल नहीं सूखता है। चलिए एक कोट में और लगा रही हूँ, देख सकते हैं। देख सकते हैं मैंने आपके सामने लगा के दिखाई हूँ। इसे कम से कम जब तक ड्राई नहीं हो जाए तब तक आपको रखना है इसे स्किन पे ही, ठीक है। जब ड्राई, फुल ड्राई होने नहीं दीजिए, 80% तक अगर ड्राई हो गया है तो उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं बता रही हूँ। आप जो मैंने बताया था लास्ट स्टेप में, आपको एलोवेरा काट के रखना है, उसे 2 पीस में करके रखना है, ठीक है। और इस तरह से आपको एलोवेरा को उठाना है, इसे पीस कर लीजिए, 20 से काट दीजिए। और इस तरह से आपको जब ड्राई हल्का हो जाए तो इस तरह से सर्कुलेशन मोशन पे आपको करना है, ठीक है। देख सकते हैं कि मैं कितनी इजी सा कर रही हूँ। इसका जो लिक्विड है वो इसमें मिलकर और अच्छा सा मसाज क्रीम एक तरह से बन जाता है। देख सकते हैं कि मैं कितनी इजी से कर रही हूँ आपको। जब तब तक करना है जब तक आप इसका सारा जो एलोवेरा का अंदर का देख सकते हैं ये ख़त्म ना हो जाए, तब तक आपको करते रहना है, ठीक है। जब ये लिक्विड ख़त्म हो जाएगा इस तरह से एक लाइक ऐसे पत्ता टाइप का क्या बोल सकती हूँ मैं, सिर्फ ये बचेगा तो आपको छोड़ देना है। फिर उसको फिर से आपको 10 मिनट तक वेट करना है, 10 मिनट वेट कीजिए। फिर उसको फिर से आप अच्छे तरह से ऐसे मसाज कर कर आपको ये हटाना है, ठीक है। तो आपको मैं बताई हूँ कि कैसे कैसे यूज़ करना है और किस तरह से हटाना है, आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से मसाज करते हुए इसको आप साफ करना है। साफ करके आपको मैं दिखाऊंगी कि आप मेरा स्किन कैसा लग रहा है। मैं आपको थोड़े देर में, अभी 10 मिनट रखती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि मेरे चेहरे पे आप ग्लो देख के हैरान रहेंगे कि क्या कितना प्यारा सा ग्लो आया। आप ज़रूर बताएंगे। ये पैक बहुत इजी है, इजी सा घर पे बन सकता है और आप समर का भरपूर मज़ा ले सकते हैं ये पैक लगा लगा कर, क्योंकि विंटर में आप बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि दही कर्ड पपाया ये सब की तासीर बहुत ठंडी होती है। तो बेहतर है कि आप समर में यूज़ करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है थोड़ा सा भी, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चले अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।